कलनी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। हे देवा, अब हम मुख्य द्वार से अपने कक्ष में कैसे जाएं? आज अगर इन लोगों ने हमें इस प्रकार देख लिया तो हमारी खैर नहीं। तो वो हर चीज की एक सीमा होती है, संदेह की भी। कितना अलग सा है आपका ये जीवन, प्रत्येक दिन एक नई कहानी। हम तो ये भी नहीं जानते कि इस कहानी में आप हमसे क्या क्या छुपा रहे हैं, पर गणपति बाप्पा से इतनी प्रार्थना अवश्य करते हैं कि आप हर कार्य धैर्य के साथ करें, अधैर्य होकर नहीं। क्षमा कर दीजिए महाराज, हमने पत्नी धर्म से अधिक देश धर्म को अहमियत दे दी, क्योंकि हमारे लिए झांसी से बढ़कर कुछ भी नहीं, और हमारे प्रत्येक कदमों में केवल हमारी प्रजा की भलाई छुपी हुई है। पर हम आशा करते हैं आप हमें एक दिन अवश्य समझेंगे। अच्छा भाई, पान थोड़ा कम खाया कीजिए, तभी तो खुली आंखों से सपने देखने लगी है ये। या अल्लाह, हम अपने चाहत से बेटे अली बहादुर की कसम खाकर कह रहे हैं, वो ख्वाब नहीं था, हमने हकीकत में महारानी को देखा था। लीजिए, अब अपने बेटे की सौगंध खाना कौन सी बड़ी बात है, सब आपकी तरह नहीं होते हैं। हमने चुप हो जाइए, खुदा बस खता ना कराए, अब हम चुप नहीं होंगे, क्योंकि चुप होने की बारी आप दोनों की है। वो देखिए, अगर महारानी बाहर नहीं गई तो अंदर की तरफ आते हुए ये पैरों के निशान कैसे बन गए? अल्लाह, अब आप दोनों चुप क्यों हैं? कहिए ना कि हम झूठ कह रहे थे, हम गलत कह रहे थे, कहिए। अल्लाह, ये कदमों के निशान तो महारानी के कक्ष की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब
कि वो बाहर जाते हुए तो दिखती है, लेकिन ना जाने क्यों बिना दिखाए दिए अंदर कैसे आ जाती है। आपका कार्य नहीं, महाराज हमसे अभी भी क्रोधित हैं। ओम भूर्भुवस्वः ओम त्रिमकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। चलो मनु। आप कौन हैं? अरे मनु, तुम यहां इतनी सुबह सुबह, सब ठीक? बाबा, हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं। कल दरबार में हमें ऐसे आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हमने भावनाओं में बहकर अपने ही बाबा से अनुचित रूप से बात की, हमें क्षमा कर दीजिए। मुझसे बेहतर तुम्हारे स्वभाव को कौन जान सकता है? आखिर बाबा हूं तुम्हारा। पर सब लोग इस बात को नहीं समझ सकते बेटा, तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा उसका मुझे बुरा नहीं लगा, पर वहिनी साहब की बात पर तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर बहुत दुख हुआ। कभी आवेश में आकर तुम सीधा अंग्रेजी कमिश्नरी चली जाती हो, कभी रानी जानकी बाई से अनुचित व्यवहार करती हो, क्या ये सब तुम्हें शोभा देता है? पता नहीं बाबा, अन्याय होते देख हम अपना आपा घो बैठते, और हम इसका अर्थ ये नहीं बेटा कि तुम आई समान रानी जानकी बाई का अनादर करो। क्षमा मांगनी है तो उनसे जाकर मांगो। जी बाबा, हम अभी जाकर आई साहब से क्षमा मांग लेते हैं। कल फिर से हमें महाराज के सामने अपमानित होना पड़ा, सब आपके कारण। और उस पर से ऐसे लग रहा है इन्होंने हमें रानी नहीं चौकीदार समझ लिया है। सारी रात महल के इर्द गिर्द घुमाती रहती हैं। अब तो अगर महारानी के खिलाफ कोई सबूत भी मिल गया ना तो महाराज हमारा यकीन नहीं करेंगे। खुदा बस खता ना कराए, हमें तो लगता है कि महारानी के पास कोई जादुई चीज है जिसकी मदद से वो कभी दिखती है तो कभी नहीं। चीज का तो हमें पता नहीं, लेकिन एक सुनहरा मौका था हमारे पास जो रानी जानकी बाई के घटिया नाटक की वजह से हमारे हाथ से निकल गया, वरना आज महाराज उस रानी लक्ष्मी बाई को उसकी औकात दिखा देते। अच्छा, और क्या मतलब है आपका घटिया नाटक से? हाँ, कम से कम हम अपने आप को बचाने के लिए खुद को घायल तो नहीं करते। वैसे भी महारानी लक्ष्मीबाई का राजघराने में विवाह तो हुआ है, मगर महारानी बनने के बाद रिश्ते निभाना आसान नहीं है उनके लिए। हाँ, जुबान तो बिल्कुल कैंची की तरह चलती है महारानी की। और रानी जानकी बाई साहब का चेहरा तो देखने लायक था जब उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमारे ऊपर पूरा अधिकार केवल हमारे पति का है।
उन्हीं का निर्णय सर्वमान्य होगा। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उन्होंने रानी जानकी बाई की तरफ देखा ही नहीं। महारानी लक्ष्मी बाई को तो उनकी सही जगह हम बाद में दिखाएंगे। लच्छू बाई साहेब, आपको आपकी असली जगह दिखानी पड़ेगी। तो क्या हुआ? अल्लाह, वो नादान है। हमें तो उन्हें प्यार से समझाना चाहिए, है ना? आई साहेब, कहीं लक्ष्मी बाई ने हमारी बात तो नहीं सुन ली। हम आप तीनों से क्षमा मांगने आए हैं। क्षमा? अल्लाह, लेकिन क्षमा किस बात की? जाने अनजाने में हमसे जो गलती हुई है उसके लिए क्षमा मांगना चाहते हैं। हमारी सबसे पहली गलती, बंदेरों के हमले का सच जानने के लिए हमने आप तीनों की जांच पड़ताल की। हमारी दूसरी गलती, हम नेवलकर खानदान के मर्यादा के विरुद्ध बिना पर्दे के अंग्रेजी कमिश्नरी में घुस गए। हमारी तीसरी और सबसे बड़ी गलती, हमने अपनी आई साहब से कल दरबार में सही ढंग से बात नहीं की। हम इन गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हम आई है आपकी, जो कुछ भी कहते हैं बस आपके हित के लिए कहते हैं। हम तो बस आपको और महाराज को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। चलिए, आपने अपने हृदय से क्षमा मांगी है तो हम भी अपने हृदय से आपको क्षमा करते हैं। गिरगिर के जैसे रंग बदलना तो कोई इनसे सीखे। धन्यवाद आई साहब, आप तो हमारी आई है ना, इसलिए एक क्षण में हमें क्षमा कर दिया। पर महाराज, वो हमसे अब भी क्रोधित है। आप हमें कुछ उपाय बताइए ना, जिससे महाराज का क्रोध शांत हो जाएगा। खुदा बस खता ना कराए, पर हमसे बेहतर अपने शौहर का दिल जीतना किसे पता होगा। अल्लाह, मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से शुरू होता है। आप ना महाराज को उनके मनपसंद कोई लजीज पकवान बनाइए और वो खाकर उनका गुस्सा ऐसे ऐसे छुमंतर हो जाएगा। पर छोटी आई साहब, हम ऐसा क्या बनाए? अल्लाह, आप महाराष्ट्र का सबसे लजीज पकवान बनाइए ना, पूरन पोली। और पूरन पोली तो महाराज को भी बहुत पसंद है ना?